आ गई है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि 302 धारा क्या होती है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर ही दीजिए। तो आपको बता देता हूँ कि 302 धारा क्या होती है। 302 धारा बहुत ही चर्चित, जानी मानी, हमेशा सुनी जाने वाली धाराओं में से एक है। 302 का मतलब होता है एक व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या कर दे, उस केस में आपके ऊपर लगता है आईपीसी का एक्ट 302। उस केस में आपको क्या होगा, अगर आप पकड़े जाते हैं और आप दोषी ठहरा दिए जाते हैं, पूरा आप कंफर्म हो जाता है कि आप ही ने कत्ल किया है, तो आपको जो है मृत्यु दंड आपको सीधे दिया जा सकता है। अगर थोड़ा सा अगर नरमी बरती जाए तो आजीवन कारावास दिया जा सकता है आपको प्लस, और उसमें आपको आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है, यानी कि कुछ पेनल्टी भी आपको लगाई जा सकती है। ये गैर जमानती है केस होता है, अगर आपने किसी की हत्या की है तो, या किसी को मार दिया है तो। और उसमें आपको और बता देता हूँ कि इसमें कोई सुनवाई नहीं होती, सीधे आपको दंड दिया जाता है, आप दोषी ठहराए जाते हैं और सीधे आपको मृत्यु दंड, आजीवन कारावास या फिर आर्थिक दंड पेनल्टी भी आपको देनी पड़ती है। और आपको इसमें थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। शुरू में मैंने बताया आईपीसी की धारा है ये 302, गैर जमानती है, ये भी आपको मैंने बता दिया है। और कुछ खास अभी है नहीं, इतना काफ़ी है। 302 एक बार फिर से ब्यौरा देता हूँ, 302 हत्या करने के जुर्म में लगती है आईपीसी की धारा है, और इसमें जो दंड मिलता है वो आजीवन कारावास, मृत्यु दंड, आर्थिक दंड पेनाल्टी आपको देना पड़ता है, और इसकी कोई सुनवाई नहीं है, सीधे दंड मिलता है आपको। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।